शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार जलीलुश्शान के नाम की तस्बीह करो, जिसने इंसान को बनाया फिर उसके आज़ा को दुरुस्त किया, और जिसने उसका अंदाजा ठहराया फिर उसको रास्ता बताया, और जिसने चारा उगाया फिर उसको स्याह रंग का कूड़ा कर दिया। हम तुम्हें पढ़ा देंगे कि तुम फरामोश न करोगे, मगर जो खुदा चाहे वो खुली बात को भी जानता है और छुपी को भी। हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे, सो जहाँ तक नसीहत के नाफे होने की उम्मीद हो नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है वो तो नसीहत पकड़ेगा, और बेखौफ बदबख्त पहलू तही करेगा, जो कयामत को बड़ी तेज आग में दाखिल होगा, फिर वहाँ न मरेगा न जिएगा। बेशक वो मुराद को पहुँच गया जो पाक हुआ और अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करता रहा और नमाज पढ़ता रहा, मगर तुम लोग तो दुनिया की जिंदगी को इख्तियार करते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और पाइंदा तर है। यही बात पहले सहीफों में मरकूम है, यानी इब्राहिम और मूसा के सहीफों में।